हाय गाइस, ब्लॉगिंग वेबसाइट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए कुछ पेजेस बहुत जरूरी होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। इन पेजेस में क्या कंटेंट रखना है और कौन कौन से पेजेस जरूरी होते हैं, इन सब की बात आज हम करने वाले हैं। और कुछ टूल्स बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ टूल्स बताऊंगा। इन टूल्स से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लॉगर्स क्या करते हैं, जो लाइक इनिशियल लेवल पर होते हैं, वो लोग सही कंटेंट नहीं रखते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरा गूगल एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मिलेगा कैसे अगर आपने सही कंटेंट नहीं दिया है? तो मैं आज आपको कुछ टूल्स बताऊंगा और टूल्स का यूज करके आप कंटेंट अपनी वेबसाइट और ब्लॉग में रखने हैं, जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके पहले मैं बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल स्वर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम लोग डेली लाइव आते हैं तो हमारी लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में कौन कौन से पेज होने चाहिए गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूं, यहाँ पे कुछ पेजेस लिखे हुए हैं, ये पेजेस आपकी वेबसाइट में होने बहुत जरूरी। मैं अभी आपको पेजेस बना के भी बताऊंगा और इनमें कंटेंट अपलोड करने के भी बताऊंगा कि आपको कहां से कंटेंट अपलोड करना है इनमें। तो देखिए, सबसे पहले ये पेजेस आप देख लीजिए। सबसे पहला पेज होता है अबाउट अस, इसमें आपको अपनी कंपनी की, जो भी आपकी कंपनी है, उसके बारे में सब कुछ बताना होता है। कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल इस पेज में आपको देनी होती है और प्रॉपर डिटेल देनी है, ऐसा नहीं है कुछ भी देना है, प्रॉपर डिटेल आपको देनी है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। फिर होता है दूसरा पेज कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस में जब आपका लाइक कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आपका कस्टमर लाइक आपकी वेबसाइट में ब्लॉगिंग विजिट कर रहा है तो वो आपको कॉन्टेक्ट कर सके, इसलिए कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देनी है। लोकेशन वगैरह भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मेल आई डी, फोन नंबर, जो भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है आप इस पेज में देंगे, सेकंड पेज में कॉन्टेक्ट अस पेज में। फर्स्ट पेज में कंपनी के बारे में बताएंगे, सेकंड पेज में कॉन्टेक्ट अस। फिर आते हैं ये तीन पेजेस, स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर मैं प्राइवेसी पॉलिसी में क्या दूं, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या दूं, डिस्क्लेमर में सर मैं क्या दूं। तो इसका सॉल्यूशन मैं ले आया हूं, कुछ टूल्स बताऊंगा, टूल्स की वेबसाइट बताऊंगा, जिनकी मदद से आप एक अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट जनरेट करके डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे लाइक यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी एक टूल लाया हूं और डिस्क्लेमर के लिए भी हम आज टूल लाए हैं। सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पूरी क्लास देखना, आपको टूल्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलते हैं सीधे अपनी वेबसाइट पे और एक बार बता देते हैं कैसे आपको पेजेस को ऐड करना है। मैं एक कोई भी एक लाइक एग्जांपल के लिए प्राइवेसी पॉलिसी ही ऐड कर लेता हूं, फिर आप सभी को इसी टाइप में ऐड करेंगे। और कंटेंट तो मैं बताने वाला हूं, कंटेंट के कुछ टूल्स बताने वाला हूं, तो उन टूल्स का यूज करके कंटेंट भी दे सकते हैं। और अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का तो आप ही हमसे बेटर जानते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी है तो आप हमसे बेटर जानते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। इनके बारे में कुछ इनके टूल्स में बता दूंगा, जिससे आप इनके टूल्स की मदद से इनका कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो भी हम बात करते हैं, एक पेज बना लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं डिस्क्लेमर का एक पेज बना लेता हूं, कैसे पेज बनाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट में, और फिर कंटेंट के हम टूल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं वर्डप्रेस के सबसे पहले मैं इनिशियल लेवल से बता रहा हूँ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर हम आ गए हैं, अगर आपको नहीं पता है कैसे डैशबोर्ड लाइक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं और वर्डप्रेस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, आई बटन में वीडियो है, आप इस वीडियो को देख लेना, आई बटन में जो वीडियो है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, अभी आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पेजेस के सेक्शन में, और एड न्यू पेज करना है। ठीक है, एक एड न्यू आपको पेज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइक यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये डिस्क्लेमर ले ले रहा हूँ। तो एड न्यू पेजेस में आपको डिस्क्लेमर देना है, डिस्क्लेमर देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट रखना है, तो ये कॉन्टेंट हम बाद में रख लेंगे, ये कॉन्टेंट जो रखना है आपको इसको हम बाद में रख लेंगे, क्योंकि पहले मैं बताऊंगा कुछ टूल्स, इसको डिस्क्लेमर को समझाने के बाद एड करने के बाद कुछ टूल्स बताऊंगा, तो फिर बाद में आप इसमें एड कर लेना वो कॉन्टेंट। अभी मैं आपको एक पेज ऐड करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद कंटेंट को जनरेट करना सिखाऊंगा कि डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन के लिए कहाँ से आप लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। और अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस तो आप ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के बारे में जानते हैं, और आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल है तो आप कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लेमर में मैंने यहाँ पे पेज दे दिया, फिर यहाँ पे डिस्क्लेमर कुछ कॉन्टेंट रखना है, तो इसकी हम बात थोड़ी देर में करने वाले हैं। अभी हम इसको करते हैं सिंपल पब्लिश। ठीक है, मैंने डिस्क्लेमर को पब्लिश कर दिया, लेकिन मैं बता दूं अभी डिस्क्लेमर हमारा शो नहीं होगा हमारे मेन पेज पर, अभी हमारा डिस्क्लेमर शो नहीं होगा हमारे मेन पेज पर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए सबसे पहले यहां पर जाना है अपीयरेंस के सेक्शन में, अपीयरेंस के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहां पर मेन्यूज के सेक्शन में जाना है, मेन्यूज के सेक्शन में आने के बाद आपको यहां पर डिस्क्लेमर पर क्लिक करना है, डिस्क्लेमर पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एड टू मेन्यू करना है। अब आप देखेंगे डिस्क्लेमर यहाँ पे ऐड हो गया, अब आप इसको ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, सिर्फ आपका डिस्क्लेमर का पेज आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। अब हम इसको करते हैं सेव, अब हमने इसको सेव कर दिया, हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखेंगे डिस्क्लेमर का पेज ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्लेमर का पेज ऐड हो चुका है। इसी टाइप से आपको अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस,
डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेज तो आपको बनाने हैं। फिर होम पेज, ब्लॉग्स, जो भी फिर आपके और पेजेस हैं वो आप रख सकते हैं, ये पेजेस तो आपको बनाने हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं distanceworm.co, आप इस वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और भी नॉलेज आप यहां से ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे, देखिए अभी मैं धीरे धीरे इसलिए ये वेबसाइट बना रहा हूं जिससे आपको समझा सकूं ब्लॉगिंग। तो ठीक है, आपको इतने पेज बनाने हैं। अभी मैंने एग्जांपल के लिए एक पेज ऐड कर दिया डिस्क्लेमर। इन पेजेस के लिए आपको कंटेंट कहां से मिलेगा, देखिए मैं सबसे पहले एक वेबसाइट बताता हूं आपको प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। देखिए यहां पे मैंने जब मैं बात कर रहा था यहां पर व्हाइट बोर्ड पे, तो अबाउट अस तो आप खुद ही जनरेट कर लेंगे, इसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, कॉन्टेक्ट अस में अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, फिर आता है प्राइवेसी पॉलिसी। इसी तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक वेबसाइट बता रहा हूं, इससे आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेना। मैं भी अभी आपको जनरेट करके बताता हूं, देखिए कैसे जनरेट करना है। देखिए मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक वेबसाइट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, privacypolicygenerator.info, privacypolicygenerator.info आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। अच्छा प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट जनरेट होता है और गूगल एडसेंस भी इजीली यहां से मिल सकता है। अगर आप इसको लाइक यहां से ये लगते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती गूगल एडसेंस में। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का नेम देना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कंपनी का नेम, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया डिजिटल स्वम। आपको अपनी वेबसाइट का नेम देना है, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दिया डिजिटल स्वम .co। वेबसाइट की URL देनी, मैंने अपनी वेबसाइट की URL दे दिया। इस टाइप से आपको ये तीन लाइक ऑप्शन है जो आपको देने हैं। फिर आपको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, डू यू यूज कुकी ऑन योर वेबसाइट, तो आपको उसको यस कर देना है, यस कर देना है, और इसको भी आपको यस कर देना है। ठीक है, अभी आपको करना है इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, ये सब इंपॉर्टेंट है और सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी आपको ये अपनी कंट्री सिलेक्ट कर देनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ, एक बार मैं इंडिया फाइंड कर लू, ये है इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं मध्य प्रदेश। फिर आपके बाद ईमेल एड्रेस, अपना एक ईमेल एड्रेस भी चूज कर लेना। देखिए ये यहाँ पे क्यों डिटेल मांग रहा है, ये डिटेल इसलिए मांग रहा है कि जब आपका प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट जनरेट होगा ना, तो उसमें ये पूरी डिटेल होगी। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, अभी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो जाएगा। ये आप देखना है, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो गया। अभी आप देखें प्राइवेसी पॉलिसी फॉर डिजिटल स्वम, ये हमारी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। यहाँ पे देखिए मेरी वेबसाइट के बारे में बता रहा है, वेबसाइट की लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दी है क्योंकि हमने फॉर्म में फिल की थी, और जो लोकेशन वगैरह हमने फिल की थी सब कुछ यहाँ पे कॉन्टेक्ट और सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप देखेंगे पूरी लोकेशन वगैरह सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आप यहाँ पे देखेंगे सब कुछ हमारी कंपनी के बारे में आ गया, और जितनी भी लोकेशंस वगैरह हमने दी थी कि मध्य प्रदेश से हूँ, इंडिया, और जो जो हमने दिया था अपना लाइक यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी, तो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गया। अब आपको या तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्टेप में आप इसको कॉपी कर ले, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टेस्ट टू क्लिपबोर्ड, और अपनी वेबसाइट में आप दे सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इस टाइप से आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। फिर से वेबसाइट बता रहा हूँ privacypolicygenerator.info। दूसरी वेबसाइट है, देखिए तीन पेजेस तो आपको, देखिए ये फर्स्ट हो चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, ये तीन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में हम आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एक वेबसाइट बता रहा हूं मैंने ओपन की हुई है, termsandconditiongenerator.com। देखिए मैं ये वेबसाइट आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका यूज किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनका यूज करता हूं और इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं termsandconditiongenerator.com। वेबसाइट का नाम लिख ले, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, termsandconditiongenerator.com। इसमें सबसे पहले फिर से वही कंपनी का नेम देना है आपको, तो मैंने फिर से कंपनी का नेम दे दिया, सेम है प्रोसेस, सभी है प्रोसेस सेम है। वेबसाइट देना है, URL देना है, और फिर इसके बाद उस पर आपको करना है नेक्स्ट, और फिर वही आपको कंट्री यहाँ पे देना है, सो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट आपको देनी है, सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली मध्य प्रदेश, और ईमेल एड्रेस अपना देना है, दैट्स इट, आपको जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये हमारी कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो गई है, आप देख सकते हैं वेलकम टू www.digitalsvm.co, और ये हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो गई है। हमें अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की लिंक चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, अदरवाइज पूरा टेस्ट चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर ली। अभी ये सब खत्म हो गया, अब लास्ट है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर की वेबसाइट है disclaimergenerator.net, मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेम आपको यहाँ पे कंपनी का नेम देना है, फिर वेबसाइट देनी है, फिर URL देनी है, वही प्रोसेस है, और आप यहाँ से डिस्क्लेमर भी जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पेजेस तो वेबसाइट में होने चाहिए, और मैंने इतना अच्छा तरीका बता दिया आपको कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करें और कमेंट जरूर करें कैसी वीडियो लगी।
ये जो पेजेस थे, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि सर मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं बन पा रहा है, मैं सर लीड जनरेशन एड रन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है। तो अब आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इस टाइप का यूज करके आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, डिस्क्लेमर का पेज है, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, और आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है गूगल एडसेंस के लिए। बस अब आप सिंपली ब्लॉग डालिए, ब्लॉग्स पे ब्लॉग डालिए, 15 से 20 ब्लॉग डालिए, 30 ब्लॉग डालिए, फिर गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजिए, आपका जो ब्लॉग है अप्रूवल हो जाएगा अगर उस पर ट्राफिक अच्छा खासा आता होगा और आपने एसईओ किया होगा। अगर अभी आप चाहते हैं एसईओ की एडवांस एसईओ की प्लेलिस्ट, तो टाइप कर देना सर मुझे एडवांस एसईओ सीखना है, तो मैं एडवांस एसईओ की प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।